हाय गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम ले। आज हम विटनेस कर रहे हैं लद्दाख राइड में सबसे पहली बारिश। बाइकों के ऊपर हमने रेन कवर्स चढ़ा लिए हैं और खुद के ऊपर भी, ऊपर से नीचे तक फुल वाटरप्रूफ हो गए हम। अभी हमारा आज का जो सफ़र रहेगा वो अभी तक डिसाइडेड नहीं है कि हमें कहाँ तक जाना है। लेह से निकलेंगे हम जहाँ पे हमें शाम पड़ी। अगर तो किसी सिटी में पड़ी तो हम होम स्टे ले लेंगे, अगर कहीं थोड़ा सा किसी गांव में पड़ी तो हम वहाँ पे अपने टेंट लगाएंगे और साथ में खाने पीने का सामान ले लेंगे, तो हम कैंपिंग कर लेंगे एक रात के लिए। फिलहाल यहाँ से निकलते हैं। वी गो फॉर द कोल्ड स्टार्ट। मैं निकालता हूँ बाहर, फिर निकालेगा विलास, फिर हम क्या करेंगे इसको बंद गेट को। विलास का ट्रक भी निकल गया गाइस। विलास ने और मैंने उसकी बाइक को ट्रक बोलना शुरू किया हुआ है। कहीं से भी निकालो, गाड़ी जितनी जगह चाहिए उसको। बाय बाय लद्दाख। विलासे आप कब वापस आए? कुछ पता नहीं भाई, कुछ आइडिया नहीं। आ जाओ जी, सब कुछ ले लिया था। हाँ, यहाँ पे शायद मिल जाए इसका रेन कवर। पॉसिबिलिटीज तो लग रही हैं। द किंग सिंगे नामियाल ले मनाली। मनाली नहीं जाना हमने गाइस। मनाली का प्लान बन सकता था अगर विलास ज़्यादा थका हुआ ना होता। सिटी से बाहर निकलेंगे हम, फिर थोड़ी जो खप खानी है वो कम हो जाएगी। एलए नंबर की जितनी गाड़ियां हैं ना, आप एक बार होंक करो, वो खुद आपको इंडिकेटर दे के एकदम से साइड हो जाएंगे। दे रिस्पेक्ट द टूरिस्ट। और वहीं आपको अगर जेके नंबर की कोई गाड़ी दिखी है, वो क्या करेंगे कि आगे भगाना स्टार्ट कर लेंगे, वो कट मारना शुरू कर लेते हैं। छपरी पूना ब्लड में है। लामायूरू 120 किलोमीटर, श्रीनगर 430 किलोमीटर। विलास का ये प्लान था कि हम सीधा श्रीनगर चल के रुकते हैं। भाई यहाँ से नुब्रा तुरतुक तो जा नहीं सकता, सीधा श्रीनगर करेगा 430 किलोमीटर। देखा घर भागने का वो जुनून। यहाँ पे हमने कहीं विजिट किया था, हॉल ऑफ फेम। हॉल ऑफ फेम मॉर्निंग टाइम में ही यहाँ पे ज़्यादा रश होगा क्योंकि ये 2-3 बजे बंद हो जाता है। 2-3 बजे, हाँ इसी रेंज में बंद हो जाता है ये। यू सी द अपॉर्चुनिटी, यू सीज द अपॉर्चुनिटी। बाय बाय ले। द एक्सपीरियंस वॉज जस्ट टू एडवेंचरस फॉर अस टू से स्टे हेयर और टू कम बैक इन नियर फ्यूचर। बेशरम है यार कि अब तक कब आ जाएं हम। मैग्नेटिक हिल यही है क्या? मैग्नेटिक हिल यही है ना? यहाँ पे कितनी इजीली पीछे हो रही है भाई, किधर देख। मेरी बाइक को गाइस पूरी लोडेड है और मैं मतलब एफर्टलेसली ऐसे पीछे कर रहा हूँ बाइक को। वाओ, न्यूट्रल में छोड़ता हूँ जरा, इतने ज्यादा स्लोप में ये जानी तो चाहिए।
न्यूट्रल में तो है बाइक, पर बाइक जो है आगे जाने का नाम ही नहीं ले रही। फुल खो जा भाई, खो जा यार। मैग्नेटिक हिल है ऊपर तक ये पूरी। मैं ऐसे एफर्टलेसली पीछे कर पा रहा था ना, बंदे को एक अजूबा लगता है भाई। है तो अजूबा ही है। बंजी जंप, हाँ 7 किलोमीटर है यहाँ से अंदर। हैं करनी है, हैं चलें। ये हाईएस्ट पॉइंट है बंजी जंपिंग का पूरी दुनिया में। फिर कभी करेंगे, मतलब तुझे लगता है फिर कभी वापस आएंगे यहाँ पे? वर्ल्ड का हाईएस्ट है अबे, एल्टीट्यूड के हिसाब से यार। अरे एल्टीट्यूड के हिसाब से यार। चलो यार फिर कभी जिंदगी में। हमने पहुंचना बहुत दूर है, विलास का कुछ प्लान नहीं बना तो मैंने भी जोर नहीं मारा उसे। कहीं पे रुक के अब जो है ना ब्रेकफास्ट भी कर ही लेते हैं, क्योंकि ऐसे ही देरी हो रही है ब्रेकफास्ट में। ब्रेकफास्ट ब्रेक One hour later. गुट्टू को फोन डाल लिया ना, चलो गाइस आपको मूनलैंड दिखाते हैं। नहीं गिरेगी तो नहीं, क्या पता फिर। गिरेगी नहीं, गिरेगा जेंट सब ठीक है। आह बस बस उनको खींचना है। आय हाय हाय, इधर से सड़ी हुई है गाइस मूनलैंड। ऊपर ऊपर है सिर्फ। ऑक्सीजन थोड़ा कम है ना यार, जल्दी सांस फूलता है ना। हाँ हाँ बहुत जल्दी। चल थोड़े राइडिंग शूज में मुश्किल है इसका। ओ वाओ, इससे वो पुराने घरों की ध्यान से इधर देख नीचे। सही बात है, पीछे हो अभी चक्कर आ सकता है। ऑक्सीजन कम होगी ना। यहाँ पे एग्जैक्ट ये मोड क्रॉस करेंगे, आगे लामा यूरो की मोनेस्ट्री है। आते टाइम पे हम यहाँ पे नहीं रुके थे द फेमस मून लैंड में। अभी जा रहे हैं वापस श्रीनगर की तरफ, तो सोचा कि क्यों ना यहाँ पे छोटा सा एक ब्रेक लिया जाए, कोई रिग्रेट्स ना रह जाए। वैसे असली वाला जो व्यू पॉइंट है वो उधर ऊपर है कहीं पर हम ये यहाँ पे कुछ ऐसे छोटी सी ऐसे टेकरी सी, जिसको अपनी लैंग्वेज में हम बोलते हैं मून लैंड का। यहाँ से नीचे क्या खाई है, यहाँ से नीचे एकदम टोटल खाई है गाइस। हम सिर्फ सेंटर सेंटर में खड़े, यहाँ पे खड़े होकर हमने कुछ फोटोज़ खींचे। नाउ विल कंटिन्यू अवर सफ़र टूवर्ड्स। दो स्टॉप्स होने वाले हैं शायद वाली बात है, अभी हमारी कन्वर्सेशन चल रही थी। दो पॉसिबल स्टॉप्स हैं कारगिल और द्रास, इन दोनों में एक जगह पे हम रुक सकते हैं। फिलहाल चलते हैं यहाँ से। ऑब्वियसली हमारे सामने है द लामा यूरो मॉनेस्ट्री। यहाँ पे हमारा स्टॉप नहीं होने वाला। वी आर गोइंग टू डू द नॉन स्टॉप चैलेंज टिल कारगिल।
क्यों लग रहा है कि ये हवा है जो है नमीका लापास की है। कारगिल 56 किलोमीटर एंड श्रीनगर स्टिल 260 किलोमीटर लेफ्ट। कंटिन्यू हम पहुंचे हैं कारगिल में। यहाँ पे हमारा लंच का प्लान है और हो सका रुकने का तो क्या पता मतलब बन ही जाए। वही हमारा ये प्लान है कि हम ब्रिज क्रॉस करके उस साइड पे कहीं पे रुकेंगे, वहाँ पे करेंगे हम लंच। ले से ये ख़राब मौसम फॉलो करते 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 हमें कारगिल तक पहुंच गया। मेरा लंच हो गया, बस इतना ही खाता हूँ मैं, हमेशा इतना बच जाता है, जो कि बचाना बहुत गलत बात है। चलें विलास, तो ऑन टू द नेक्स्ट डेस्टिनेशन एंड फाइनल डेस्टिनेशन फॉर टुडे विच विल बी द्रास। इधर होम स्टे लेंगे, इधर कैंपिंग करेंगे, वो वहीं जाके पता चलेगा हमें। लेट्स गो। कहीं से निकलने की कोशिश तो करते पर यहाँ पे जाम है यार। ये भी वन वे है और वो नीचे से जो रोड जिससे हम गए थे जाते टाइम वो भी वन वे है। फाइनली हम मेन रास्ते तक आके लग गए। मार्केट वाज वेरी ट्रिकी यार। वी हैव Plenty of time, let's see कि हम कितने बजे द्रास पहुँचते हैं, उसके बाद we'll be able to decide कि हमें कहाँ जाना है। New Kargil Bridge बन रहा है। पेट्रोल। इतनी खुशबूरत जगह है द्रास, यहाँ पे रुकेंगे ना, आराम करेंगे। ये देखो खुशबूस्त्री की इसका कोई कौन जोड़ना ही है। वाओ, है 1 hour later. पहले हम जो है फ्रेश हो लेते हैं, अपने ये जो मिट्टी से भरे हुए कपड़े हैं ये उतारते हैं, फ्रेश होते हैं, उसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट क्या करना है। यहाँ द्रास में घूमने के लिए कोई और जगह बची नहीं थी, एक ही मनमन टॉप था, वो हमने घूम लिया। बाकी हमने कैंपिंग स्पॉट ढूंढने की बड़ी कोशिश की, नहीं मिली। तो आज का हमारा सफ़र यही था, ले से लेके द्रास तक। आज के इस एपिसोड को करते हैं यहीं पे ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।